ओके फ्रेंड्स, तो सैस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इसके पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था मिक्सिंस, एक्सटेंट और वेरिएबल्स के बारे में। इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, तो आपको पता होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है फंक्शन समझना। तो सैस में हम अपना कस्टम फंक्शंस भी बना सकते हैं और साथ ही साथ हमें बिल्ड इन फंक्शंस भी मिलते हैं। तो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि फंक्शंस है क्या एक्चुअली में। अगर आपको एक ही कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हम उस वक्त फंक्शंस को कॉल करते हैं। हम फंक्शन में एक बार कोड करते हैं और जब जब हमें उस फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हम बस उसे कॉल करते हैं और हमारा काम हो जाता है। अगर हम इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे, तो अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिक का कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो हम सिंपली इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, जो कि पहले से इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया हुआ है। वो आएगा, हमारा घर में इलेक्ट्रिक का जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेगा और चला जाएगा। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम एक बच्चे को उठाएंगे, उसे पूरा इलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्या काम करता है, और फिर हम उससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। नहीं, ठीक उसी तरह से फंक्शन भी काम करता है। हम फंक्शन में कोई भी कोड या कैलकुलेशन या कुछ भी एक बार डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हमें जब जब जरूरत हो हम उसे कॉल कर लेते हैं। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका कोड करेंगे। तो हम देख लेते हैं कोड में फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पे @ साइन देना होगा और हमें लिखना होगा फंक्शन, और फिर हमें एक फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फॉन्ट साइज। यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस ओपन करना है और फिर हमें कर्ली ब्रेसेस भी ओपन करना है, और यहाँ पे हम कुछ कोड लिखने वाले हैं जो कि हम बार बार कॉल करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी कोड लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करवाना चाहूंगा। तो मैं पैरामीटर यहाँ ले लेता हूँ साइज, और मैं इस फंक्शन से ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी पैरामीटर पास करूँ वो मुझे डबल करके दे। मैं जो भी साइज यहाँ पे दूँ वो मुझे डबल साइज करके दे। तो मैं यहाँ पे सिंपली साइज मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली में ये फंक्शन अभी काम नहीं कर पाएगा, ये हमें साइज को डबल करके नहीं दे पाएगा जब तक कि इसके आगे हम रिटर्न कीवर्ड ना लगा दें। हमारा फंक्शन बनके पूरी तरह से रेडी है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। हम जहां जहां इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमें साइज को डबल करके देगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ नीचे बैनर के अंदर का पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम बैनर के अंदर पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज देंगे, और इस फॉन्ट साइज में हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली हम इस फंक्शन के नाम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और पेरेंथिसिस के अंदर यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जैसे 10px, 20px, 30px, whatever, लेकिन मैं यहाँ पे वेरिएबल पास करने वाला हूँ, जो कि हमारा फॉन्ट sm, जो कि फॉन्ट sm जो है वो हमारा 20px के बराबर है। तो हमारा फंक्शन जब कॉल होगा और 20px जाएगा इसके पास, और ये साइज हमारा 40px रिटर्न होके आएगा। तो इसे मैं जैसे ही सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसका साइज जो है वो बढ़ चुका है। और अगर हम एक बार main.css में नजर दे, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको 40 दिख रहा होगा। एक बार मैं यहाँ पे फॉन्ट sm को 50 कर देता हूँ, तो हमारा फॉन्ट साइज 100 हो जाना चाहिए। तो मैं इसे सेव करता हूँ, तो हमारा फॉन्ट साइज 100 हो चुका है। main.css में भी आपको यहाँ पे 100 नजर आ रहा होगा। तो मैं जैसा था वैसा ही कर देता हूँ। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमें फंक्शन क्रिएट करने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली 40px दे सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो फंक्शन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे यूज करने का। तो मिक्सिन वाले एपिसोड में आपको याद होगा कि हम डिफॉल्ट वैल्यू देते थे पैरामीटर्स में कुछ इस तरह से, ताकि अगर हम आर्ग्यूमेंट पास ना करें तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू पिक कर लिया जाएगा। तो अगर हम फुटर का पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर हम फॉन्ट साइज में ये फंक्शन को कॉल करते हैं, और अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, और जैसे ही मैं सेव करूंगा, तो ये जो है ये अभी 50px का हो चुका है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 25 है, जो कि मल्टीप्लाइड बाय 2 होने के बाद ये 50 हो चुका है। main.css में मैं आपको दिखा दूं, फुटर का पैराग्राफ में फॉन्ट साइज 50 है और बैनर का फॉन्ट साइज 40 है, क्योंकि बैनर में हम आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं 20 का, जो कि मल्टीप्लाई हो जा रहा है 40, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं,
तो by default value 25 है, जो कि multiply होके 50 हो जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे argument pass कर भी देते हैं 30 pixels और save करते हैं, तो ये बढ़ के 60 pixel हो जाएगा। और यहाँ पे जो 25 pixels है, ये apply होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम argument भेज दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ built-in functions का सास में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।